हेलो दोस्तों, आज हम वो स्टार्ट कर रहे हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश से स्टार्ट करने से पहले हम लोग गुलाम वंश पढ़ लिए थे। आज उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश चला था 1290 से 1320 तक। 1290 से 1320 तक खिलजी वंश चला, और इसमें जो पहला शासक आया वो आया जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक माना जाता है, और इसका शासन 1290 से 96 तक रहा। और इसके बारे में देख लेते हैं, 1290 में जलालुद्दीन खिलजी वंश का संस्थापक किया, यानी कि खिलजी वंश का संस्थापक पूछेगा तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी हुआ। और इसने अपना राज अभिषेक किलोखड़ी के महल में हुआ, और किलोखड़ी के महल कैकुबाद ने बनाया था, उसी के महल में इसने अपना राज्याभिषेक करवाया और राजधानी भी किलोकड़ी को बनाया। और यह शांतिपूर्वक शासन था, क्योंकि ये जो बना था वो 70 वर्ष की अवस्था में बना था। सल्तनत काल में सबसे बुजुर्ग शासक यही था, 70 वर्ष में बना था। आगे आते हैं, 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी अभियान पर भेजा। अलाउद्दीन खिलजी को जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने देवगिरी अभियान पे भेजा, और वहां का शासक था यादव वंश चल रहा था। वहां का शासक था रामचंद्र देव। रामचंद्र देव को अलाउद्दीन खिलजी ने पराजित किया और यहाँ से अपार धन प्राप्त किया। और अपार धन प्राप्त करने के कारण अलाउद्दीन खिलजी के दिमाग में फुरपाती आया, और जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को हत्या करवाकर ये फिर गद्दी पे बैठता है। और जो अलाउद्दीन खिलजी था वो गद्दी पे 1296 से 1316 तक रहता है। इसने बहुत सारे काम किए, देखते हैं। पहले इसका बचपन का नाम था अली और गुरसाब। पूछता है दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था, तो उसका नाम था अली और गुरसाब। वह जलालुद्दीन का भतीजा एवं दामाद था। जलालुद्दीन का भतीजा था और उसकी बेटी से विवाह किया था, तो वो दामाद भी था। तो भतीजा और दामाद ये दोनों था। ये अलाउद्दीन खिलजी ने बलवन के लाल महल, बलवन के द्वारा एक बनाया गया था लाल महल, वहां अपना राज अभिषेक करवाया, और इसने एक उपाधि धारण किया था, नाम है सिकंदर ए सानी। सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण किया राज अभिषेक करवाने के बाद। 1296 में करवाया था। उसके बाद आते हैं रजत सिद्धांत। अब जब राजा बना तो इसने बहुत सारे काम किए। पहला तो अपना इसने राजा सिद्धांत बनाया, मतलब इसने पहले क्या था, पहले सब था कि मतलब खलीफा से उपाधि का पद लेता था, लेकिन इसने खलीफा वगैरह से उपाधि पद नहीं लिया। इसने अपना शासन खुद किया, अपना नियम खुद बनाया। जैसे उसने इस्लाम सिद्धांतों के अनुसार शासन नहीं किया। पहले क्या था, इस्लाम लोग से था। पहले देखे कि हम लोग इल्तुतमिश देखें, उसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि दिया, लेकिन ये उसके अनुसार नहीं काम किया। उसने खलीफा से सुल्तान की पद की स्वीकृति नहीं ली। उसे निरंकुश राजतंत्र में विश्वास था। निरंकुश कहने का मतलब कि राजा सिर्फ अपने हित के बारे में सोचेगा, वो प्रजा के बारे में नहीं सोचेगा। जो राजा को अच्छा लगेगा वही करेगा, चाहे उससे प्रजा को परेशानी हो, चाहे उसकी कुछ भी हो, वो नहीं सोचेगा, वही निरंकुश का मतलब है। तो पूछता कि निरंकुश स्वतंत्र में विश्वास कौन रखता था, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। फिर उसी के समय में 4 विद्रोह हुआ था। विद्रोह होने का कारण था कि इसने अपने जो बोलिए ससुर को मरवा के बैठा था, जिसके कारण इसके कुछ परिवार में ही कुछ थे जिसको हटाना चाहते थे, इसी कारण कहीं कहीं विद्रोह किया, 4 विद्रोह हुआ था। उसको तो इसने दबा दिया और आगे ना हो, इसलिए उसने 4 अध्यादेश जारी किया। अब 4 अध्यादेश क्या था वो देखते हैं। पहला था दान, उपहार, पेंशन, ये सब जितना भी भूमि जो पहले दिया गया था उसको वापस ले लिया गया। बोला कि हम नहीं देंगे, देने के कारण वो लोग और विद्रोह कर देते हैं, इसी कारण जितने भी दान भी दिए गए थे, उपहार दिए गए थे, पेंशन, ये सब वापस ले लिया। और दूसरा था उसने गुप्तचर विभाग का गठन किया, अच्छे गुप्तचर विभाग का गठन किया, और उस विभाग में जो थे उसका नाम रखा बरीद ए मुमालिक। पूछता है दोस्तों कि जो गुप्तचर विभाग था उसका नाम क्या रखा था, तो वो था बरीद ए मुमालिक, याद रखिएगा। आगे है शराब, भांग, जुआ आदि पे प्रतिबंध लगा दिया।
ये लगाने का कारण था वो अलाउद्दीन बोला कि अगर शराब हम पी के सभी के साथ बैठेगा तो राजा के विरुद्ध ये लोग षड्यंत्र करेगा, इसी कारण इसको भी बंद करवा दिया गया। चौथा है अमीरों एवं सरदारों के दावतों विवाह संबंधों प्रतिबंध हिंदुओं पर भी कठोर नीति के तहत उसने निर्धन बनाया गया ताकि वह विद्रोह ना कर सके। बोला कि अमीर के घर जो दावत वगैरह होगा उसको भी इसने बंद करवा दिया। बोला कि जब दो अमीर एक साथ बैठेंगे तो वहां भी राजा के खिलाफ षड्यंत्र रच सकता, इसी कारण वहां भी बंद कर दिया। और हिंदू पे इतना कठोरता किया कि उसने तो कभी सोचा नहीं कि वो विद्रोह कर सकता, इसी कारण हिंदू पर भी कठोरता लागू किया। ये था हमारा विद्रोह को दबाने के लिए जो अध्यादेश जारी किया और राजा सिद्धांत पढ़ने। आगे आता है सैनिक सुधार। अब सैनिक सुधार में इसने क्या काम किया देख लेते हैं। पहला है अस्थाई सेना एवं नगद वेतन। दिल्ली सल्तनत का ये पहला शासक था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने अस्थाई सेना रखा और नगद वेतन देना चालू किया। जैसे मंथ दिया जाता उस टाइप से इसने वेतन देना चालू किया। और दूसरा था सैनिकों के हुलिया लिखने तथा घोड़े दागने की प्रथा प्रारंभ की। इसने सैनिकों के हुलिया दागने और घोड़े की दागने की प्रथा शुरू किया अलाउद्दीन खिलजी ने। ये था अलाउद्दीन खिलजी के। इसके आगे देखते हैं